हम लोगों ने पौधा में कौन कौन सा खाद लगाया है वो बात करेंगे। इस तरह से बोरा में खाद आया है, कुछ नीम का खाद है, केचुआ खाद है, डोलोमाइट जो वाइट वाइट होता है, कुछ कुछ खरी है। इस ये केचुआ खाद है जो कुछ फटा हुआ है या लाने ले जाने में फट गया है थोड़ा सा। और इस तरह से बोरा में ढेर सारा बोरा में लेके आए थे हम लोगों ने। ये एक एक बोरा अलग अलग मिला था, ये दूसरा खाद है, ये शायद कुछ दूसरा खरी है, और अंदर में दो बोरा और है वाइट वाला। ये जो ज़्यादा दिख रहा है वो तो केचुआ है। साइकिल से इस तरह से हमने ले आया है अपना, जहाँ पे बारी है वहाँ पे। ये खाद बहुत लेट से मिला है और पौधा भी लेट से ही मिलेगा, तो हम लोगों ने पहले ही खरीद के लगाया है। तो इस तरह से बीच बीच में कहीं कहीं लगाया हो, अगर एक गाय के खिलाने के लिए बाजरा लगा हुआ है तो यही झुंड किया हुआ है। इस तरह से गड्ढा खोदा हमने, खोद लिया है इस तरह। और इसमें हम लोगों ने डालेंगे सब तरह का खाद। सबसे पहले तो वो डोलोमाइट जो वाइट वाइट होता है उसको तो 10-15 दिन पहले डालना होता है, पर वैसा हो नहीं पा रहा है, इसीलिए किसी तरह ही काम चलाना पड़ रहा है। अभी इस तरह से गड्ढा खुदा रहा है और इधर कटाई भी हो रहा है। यहाँ पे खाद उद डाल दिए हैं हम लोगों ने इस तरह से। डोलोमाइट है वेट वेट, ये दूसरा खाद है, कुछ कुछ खरी है, नीम खरी सब, ये नीम खरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोगों को दिखाता हूँ, आप केचुआ वाला खाद इस बोरा में खुला हुआ है इस तरह से, ब्लैक ब्लैक गोबर की तरह ही है, पर ये पूरा चूर हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से है। ये केचुआ का खाद है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से करेला भी लगा हुआ है जो पहले रोपा हुआ है। यहाँ पे पौधी लगा हुआ है बहुत सारे, यहाँ कुछ कुछ लगा हुआ है जो फल देने लग गए हैं। केचुआ खाद है, इसको हम लोग ने बाल्टी में अनलोड करके दूसरा जगह ले जाना है जहाँ पे लगाना है। ये पूरा घास निकला हुआ है हर जगह, तो ये बाल्टी में भरा हुआ है केचुआ खाद। इसको थोड़ा थोड़ा कर करके दे रहे हैं और ऊपर से मिट्टी थोड़ा थोड़ा भर रहे हैं। इस तरह से सब तरह का खाद है ये, इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालना होता है। वो केचुआ खाद है उसको कम से कम 5 से 7 किलो डालना होता है एक गड्ढा में। 3x3 मीन्स 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गड्ढा कोड़ा हुआ था, पर बारिश की वजह से थोड़ा बहुत भरा गया है। इस तरह से मिक्स करके हम लोग डाल रहे हैं। ये सब काफ़ी मेहनत का काम होता है, वैसे तो ये एक बार का काम है। फिर अगर पेड़ अच्छा खासा जिंदा हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर आपको बस उसमें स्प्रे कुछ कुछ दवाई उतना ही करना है और आपको साल में एक बार फल मिलेगा। अभी अपना घर में जब मन तब खाओ, गच्छ में पका हुआ चीज़ खाओ, और क्या हो सकता है। अब कुछ पाने के लिए तो इतना मेहनत करना ही होगा। केचुआ खाद ये वाला है, इसको हम लोगों ने दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी भर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा केचुआ खाद को इस तरह से घास उसको भी उसी में डाल देना, ताकि बारिश होगा वो नीचे रहेगा तो सड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुदाल हमने इस तरह से यूज किया है और डाल रहे हैं इसमें। हम लोगों ने नर्सरी से पौधा लेके आया है, तो मैंने वो नर्सरी में देखा, पर लेके आया हूँ वो दिखा रहा हूँ। इस तरह से कुछ कुछ पौधा मिला है नर्सरी से, गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। ये अमरूद, आम, इस तरह से चीकू का भी पौधा इस तरह से हम लोगों ने ले जा रहे हैं। इस तरह से ले जा रहे हैं हम लोग, इस तरह से रास्ता है। और ये है एक आम का पेड़, इसको इसमें लगाना है। ये पहले ही भरा हुआ था गड्ढा, तो इसमें लगाना है। इस तरह से प्लास्टिक में रैप किया हुआ होता है नर्सरी में, तो ऐसे ही होता है, आप लोगों को पता है। इस तरह से खोलना है आपको और इसको लगाना है। इस तरह से निकाल के रैपिंग को हटा के आपको इस गड्ढे में डाल देना है, थोड़ा सा खुदाई करके इस तरह से निकल जाएगा। कुछ कुछ जड़ निकला है, आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह से है पूरा, इतना ही समय इतना मोटा पर कलम किया हुआ है, आपको देख रहा है, दिख रहा है।
आपको निकालने समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उसका जड़ ना टूटे, प्रॉपर निकाल के इस तरह से डाल दें। हम लोगों ने ये दीमक मारने वाला, दीमक भगाने वाला डाल रहे हैं क्योंकि इसमें दीमक लग जाता है। मैं दिखाऊंगा दीमक कैसा लगता है, दीमक लगा है किसी किसी पौधा में, वो तो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। इस तरह से ये लग गया है, तैयार हो गया है, मिट्टी भर दी है हम लोगों ने। दीमक कैसे लगता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए ले चलते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है ना, इतना ऊपर तक चढ़ा हुआ है दीमक यहाँ इस तरह से। तो इस तरह से ना लगे करके दीमक भगाने वाला पाउडर दिया जाता है। देखिए इस तरह से, अगर इसको ध्यान ना दिया जाए तो इसे खा के ख़त्म कर दिया जाए देगा दीमक सब। दीमक क्या हाल करता है चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए लीची था, ये नीचे से खा के ख़त्म करती है और ये सूख गया पूरी तरह। अब देख रहे हैं दीमक इसमें है कि नहीं, मुझे तो अभी नहीं है। यहाँ पे खा के ख़त्म कर दिया ये, और पानी की वजह से भी ये सड़ने जैसे हो गया इसका तना। इसमें दूसरा लगाना है पौधा। इस तरह से पूरा सूख गया ये, बर्बाद हो गया ये लीची। ये लीची का पौधा था, इस तरह ये बस पूरा सड़ गया है। शायद पानी की वजह से हुआ या दीमक की वजह से हुआ पता नहीं। चलिए अब चलते हैं। हम लोगों ने टमाटर, कुछ कुछ बैंगन और ये मकई तोड़ लिया है, तो इसको लेके जाना है। बारिश भी हो गई थोड़ा सा, और अब देख सकते हैं यहाँ ब्रिंजल बैंगन जिसे बोलते हैं वो तोड़ लिया है, तो इसको लेके जाना है। इस तरह से ढेर सारा बैंगन भी है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। एक छोटा सा जगह में लगा है बस इतना सा, उसमें इतना सारा बैंगन निकला है। इसमें फल भी है और फूल भी निकल रहा है, इस तरह से फूल भी निकले हुए। कैसे, अगर आप लोगों को अगर लंबा ब्लॉगिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने साइकिल में लोड किया दोनों तरफ और चल दिए। अगर आपका जिसे भी कुछ भी सुझाव होगा आप कमेंट कर सकते हैं।